मध्य प्रदेश के लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज 21 अगस्त की रात में भोपाल पधार रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि इस बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कल 22 अगस्त को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है और इस बैठक में भाग लेने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी भोपाल पधार रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की विवेचना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे विषयों की रोकथाम के लिए व्यापक विचार विमर्श होगा, जिसका लाभ इन चारों राज्यों को मिलेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को एक नई सौगात देने भी केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के भोपाल कैंपस का वे भूमि पूजन करने वाले मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने NFSU गांधीनगर का कैंपस भोपाल में स्थापित करने का फैसला किया है। इस कैंपस में हमारे हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे। 4 कोर्सेस तो हमारे प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन कैंपस के निर्माण के बाद लगभग 20 कोर्सेस और प्रारंभ किए जाएंगे। हमारे बच्चों को रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और उसके साथ साथ प्रदेश के पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, अभियोजक और न्यायाधीश भी इस कैंपस में फॉरेंसिक साइंस के विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी भी हैं और इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़े उसके संबंध में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे पुलिसकर्मी भाइयों बहन प्रदेश की जनता की सुरक्षा में दिन और रात लगे रहते हैं। उनको, परिवार को अच्छे आवास रहने के लिए मिले, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने पूरे प्रदेश में मकानों का निर्माण किया है। उनमें से कुछ मकानों का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, पुलिस थानों का लोकार्पण शिलान्यास जैसे काम भी वे उनके कर कमलों से संपन्न करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का यह दौरा, सहकारिता मंत्री जी का यह दौरा प्रदेश की प्रगति और विकास और जन कल्याण की दिशा में, किसान कल्याण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये वर्ष
भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पितृपुरुष, जिनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल संगठन प्रदेश और देश में खड़ा हुआ है, उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है। और जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसकी सौगात हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दी है, उस पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश ठीक ढंग से स्कूली शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी हम ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी भी चर्चा होगी और माननीय अमित शाह जी हमारा इस दिशा में और मार्गदर्शन करेंगे और शिक्षाविदों को वो संबोधित करेंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिभाओं को अलग अलग विश्वविद्यालय के और अन्य शिक्षाविदों को, शिक्षा परिवार के लोगों को भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना रोड मैप और ठीक करने में सहायता मिलेगी। मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका दौरा प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।